डाले बहुजन समाज के लोग बीएसपी को वोट को इसलिए हमें डालना चाहिए कि बाबा साहब का जो अच्छा कारवा है वो मायावती के अलावा बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरा पार्टी नहीं कर रहा है, इसलिए हमें सबको वहाँ डालनी चाहिए। और उससे जो हमारा उत्तर प्रदेश का इतिहास हजारों सालों का बदला बहन जी ने सत्ता के बल पे बदला, कोई भी आदमी आज क्या हो रहा है, हम झूठ बोलते हैं। जब बालक शंका टाइम आता है हम वोट कभी बीजेपी को देते हैं, कभी भी हम कांग्रेस को वोट देते हैं और कभी आप पार्टी को वोट देते हैं। वोट तो हमारा है, लोकतंत्र क्या कहता है, बाबा साहब ने क्या कहा है कि लोकतंत्र ये कहता है कि जिसकी वोट की संख्या ज्यादा है राज उसका होना चाहिए, राज उसका होना चाहिए। तो हम उसके खिलाफ चल रहे हैं, बाबा साहब की बात कहाँ मान रहे हैं। जब इलेक्शन आता है तो पैसा लेकर के वोट देते हैं, वो दारों में लेकर के वोट देता है, तो बताइए बाबा साहब की कहाँ बात मानते हैं। अगर बाबा साहब की माने तो हमें एक मत होकर के वोट जाना चाहिए और यही बात हमारा दोना तभी हम यहाँ पे जा सकते हैं। लोकतंत्र ये कहता है कि भाई जब हमारा संख्या वोट भी ज्यादा है तो राज किसका होना चाहिए, राज तो गरीब समाज का होना चाहिए जो बहुसंख्यक समाज जातियों में बना हुआ है। गरीब समाज के लोग, तीन समाज के लोग तो यहाँ पे मनवादी हिंदू तत्व के लोग मानने वाले लोग हैं, तो उनको वोट तो कभी भी हराज होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग उस तरह का काम नहीं करते जो बाबा साहब के नाम को धोखा देते हैं, समाज को धोखा देते हैं। और नए नए तरीके के आपको कितने मिल जाएंगे लोग यहाँ पे घूमने वाले, नई नई लोग पार्टियाँ बनाते हैं, लोग संगठन बनाते हैं और बाबा साहब के नाम को धोखा देते हैं। वो कहता है उसका संगठन गलत है, वो कहता है उसका संगठन गलत है और अपना मेरा संगठन सही है, तो बताइए फिर विघटन हो रहा है, बाबा साहब की कहाँ बात मान रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें जो है समझना पड़ेगा। अगर जब तक हमारा समाज ये चीज़ें नहीं समझेगा तो कोई भी नहीं है, ना सरकार में होगा, ना नौकरी में होगा, ना कहीं होगा। अगर हम ऐसा चाहेंगे तो हमारा कुछ सही हो सकता है, हमारा विकास हो सकता है, हम की तरफ जाए। बाबा साहब ने धम्म दिया तो धम्म क्या कहता है, धम्म मानवता सिखाता है, मैत्री सिखाता है, समता मैत्री सिखाता है। तो यही हमारा धम्म कहता है कि बाबा साहब के बात को मान रहे हैं क्या, धम्म के अंदर जा रहे हैं? अरे धम्म के अंदर कहाँ जा रहे हैं, धम्म की कोई क्लास आए हाथ जोड़ते हैं लोग बुलाने के लिए, वहाँ जाने के लिए टाइम नहीं है, सारा दिन बैठ के ताश खेलेंगे लेकिन टाइम नहीं है उनके पास में, तो बताइए समाज का विकास कैसे होगा। तो सर यही हम मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा, समाज से निवेदन करना चाहूँगा, यही नई नई दुकानें खोल करके राज मिल जाए, किसी से भी बात करो तो ये सब क्या होता है, दलाली करते हैं केवल बहुजन समाज पार्टी के और मायावती के खिलाफ बोल करके उनकी कीमत बढ़ जाती है, उनको वहाँ पे सबको अपने बच्चों पर अपने की बात करते हैं, समाज इतनी बात नहीं करते। उस महापुरुष की उसकी कुर्बानियों को भूले हुआ समाज है जो सब जगह बटा हुआ है। सारे जिस दिन तीन बात बाबा साहब की मान लें कि हमें जो ना हम को अपनाना पड़ेगा, और हम को जब अपनाएंगे हम आचरण सिखाता है तो वो ये कहते हैं कि हमें मानवता, जैसे हम कह देते हैं अरे आदमी बन जा भाई, आदमी बन जा भाई, अरे आदमी कब बनेगा, जब आचरणशील होगा, सारे अनैतिक कार्य छोड़ देगा तो आदमी अपने आप बन जाएगा, दूसरे देखेंगे उसके आदमी को तो ज्योति की तले मकान होगा अपनी गली में मोहल्ले में बस्ती में, तो लोग उसके बात को मानना शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। ये समाज से निवेदन करूंगा कि हमें परिवर्तन करना चाहिए, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का, लेकिन सभी लोग इस तरह का काम करते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।